नमस्कार बच्चों, लीजिए आज हम कक्षा 12वीं के भौतिकी में गोलीय अपवर्तक तल के लिए समीकरण प्राप्त करेंगे। अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र म्यू बटे वी माइनस वन बटे यू इक्वल टू म्यू माइनस वन अपान आर, ये सूत्र हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये इसका वर्णन करेंगे। चित्र आपको आना चाहिए। तो ये हमारा बाईं ओर जो है वायु माध्यम है और दाहिने ओर अवतल पृष्ठ कांच है जिसका अपवर्तनांक म्यू है। इसके ध्रुव और वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं, ये आरपी है, जिसके सामने मुख्य अक्ष पर वो कोई वस्तु रखा हुआ है जिससे चलने वाली किरण इस मार्ग पर आगे जाती हैं और अभिलंब की ओर, चूंकि ये माध्यम हमारा सघन माध्यम है इसलिए अभिलंब की ओर झुक जाती है और ये एपी दिशा में आगे निकल जाती है। जिसको हम पीछे की ओर बढ़ाएं यदि, तो ये आई पर इसका प्रतिबिंब हमको मिलता है। ये हमारा वक्रता त्रिज्या आरपी या वक्रता केंद्र बोलिए, ये है। इसके साथ हमारा आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, अल्फा आपतित किरण के साथ अल्फा कोण बनाता है मुख्य अक्ष के साथ और ये अपवर्तित किरण बीटा कोण और ये हमारा केंद्र जो है गामा कोण बनाता है। तो इसको जो है आप थ्योरिकल भाग में लिखेंगे, जिसको मैं पहले से लिख दिया हूँ कि माना कोई गोलीय अवतल पृष्ठ ए पी बी है जो मुख्य अक्ष पर वो के मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु वो रखी हुई है जिसे चलने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात एपी दिशा में मुड़ जाती है, जिसे पीछे की ओर बढ़ाने पर मुख्य अक्ष को आई पर मिलती है तथा प्रतिबिंब बनती है। और यहाँ पर जो है आर ए अभिलंब है, यहाँ पर अभिलंब चूंकि गोले के केंद्र से उसके परिधि पर कहीं पर भी हम दोनों को मिला दें किसी भी बिंदु से तो अभिलंब होता है, तो ये हमारा आर ए अभिलंब है। अब इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कि आपतन कोण क्या है। तो आपतन कोण देखिए, आपतित किरण का हमारा अभिलंब के साथ जो कोण बनता है ये कौन सा है, ये पूरा आई है, ये अभिलंब है हमारा, ये हमारा अभिलंब है। तो ये यहाँ पर हमारा कोण हो गया आपतन कोण जो है ओ ए आर, कोण ओ ए आर या सी लिख दीजिए, इसको सी कर दीजिए क्योंकि ये दूरी को हम लिखेंगे ओ ए सी। ओ ए सी बराबर हमारा है आई। इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि आर क्या है, तो यहाँ पर है पी ए एन, ये जो बाहर की ओर बन रहा है कोण आर है अपवर्तित किरण का, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कोण पी ए एन बराबर आर। बराबर क्या है इधर हम देखते हैं बच्चों, ये है हमारा अभिलंब और इसके साथ ये कटा हुआ जो है ये इधर आर है, तो ये भी ये कोण आधा जो यहाँ पर लिखा हूँ ये कोण आर के बराबर है, यानी हमारा आई ए सी बराबर कोण आई ए सी। तो ये सबसे पहले तो हम लिख दिए कि कौन सा आपतन कोण है अपवर्तन कोण है, इसके बारे में लिख दिए। अब हम आ जाते हैं स्नेल के नियम से, एक लाइन आपको रटना होगा स्नेल के नियम से, के नियम से ये क्या होता है, हमारा स्नेल का नियम म्यू बराबर साइन आई, साइन आई अपान साइन आर, ये स्नेल का नियम है। यदि कोण न्यून हो, कोण छोटा हो, तो हमारा म्यू बराबर केवल आई अपान आर लिख सकते हैं ये। तो इसको इधर से गुणा कर दीजिए, यानी आई, इसलिए आई बराबर ये म्यू आर, म्यू आर इसी से हम प्राप्त किए आई बराबर
इसका ये हर में है, ये इधर जाकर के भाग में है, इधर जाके गुणा हो गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें आई और आर का मान प्राप्त करेंगे चित्र की सहायता से। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आई का क्या है, यहाँ कोण आई का मान ये इस त्रिभुज में देखिए, यहाँ पर आई कोण कहाँ बन रहा है, तो ये पूरा आई है, यहाँ से देखिए ये पूरा आई है। तो इसका ये बाह कोण है अल्फा, तो इसकी सहायता से हम इसका मान प्राप्त करेंगे। बाह कोण जो है, बहिष्कोण जो होता है, दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो आई कौन सा कोण, कौन से त्रिभुज में बन रहा है, ये वाला, यानी ओ ए सी में हमारा आई कोण बन रहा है, ये वाला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोण अल्फा, बहिष्कोण अल्फा कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज त्रिभुज है हमारा ओ ए सी में, क्या है ये, यहाँ पर पड़ रहा है कोण आई, तो ये इसका बहिष्कोण अल्फा है, इसको हम लिखेंगे अल्फा। तो यहाँ बहिष्कोण अल्फा कोण है, त्रिभुज है हमारा ओ ए सी में, अल्फा बराबर है हमारा दूरस्थ अंतः कोण क्या है, आई प्लस गामा, यहाँ पर आप देखेंगे आई प्लस गामा। इसलिए हमको स्नेल के नियम में क्या चाहिए, आई और आर का मान चाहिए। तो आई बराबर हो जाएगा हमारा आई इक्वल टू अल्फा माइनस गामा, ये आपका पहला समीकरण। दूसरा रख देते हैं, चलिए स्नेल का नियम को हम पहला कर देते हैं, ये है पहला और ये है हमारा दूसरा। अब बच्चों हम आ जाते हैं पुनः त्रिभुज, यहाँ पर देखिए ये, अब आर इधर का हम इधर का नहीं ले सकते, इसको हम ले रहे हैं आर को, ये किस त्रिभुज का बहिष्कोण है, ये वाला देखिए आई ए सी का, ये कोण बीटा जो है बहिष्कोण है, ये कोण आर यहाँ पर बन रहा है, इतना कोण जो है हमारा आर है। तो ये त्रिभुज हम लिखे आई ए सी में, इसको देखिए त्रिभुज आई ए सी में क्या है, इसमें बहिष्कोण आपका, इस त्रिभुज में बहिष्कोण क्या है, बीटा है। तो बीटा बराबर इसका दूरस्थ अंतः कोण क्या है, गामा प्लस आर, बीटा बराबर गामा प्लस आर। अब हमको आर चाहिए मान स्नेल के नियम में, तो आर का हम पक्षांतर कर देते हैं इसको, इसलिए आर बराबर बीटा माइनस गामा, ये आपका बीटा थीटा यहाँ पर हम ले लेते हैं बच्चों, ये हमारा आर बराबर बीटा माइनस गामा, इसको पक्षांतर कर दिए, ये हम लिख दिए इसको समीकरण तीन। अब समीकरण एक में हम इसको मान रखेंगे, समीकरण एक में दो और तीन से मान रखने पर, एक दो और तीन से, तीन से एक में मान रखेंगे, क्या है एक में, क्या है हमारा एक में समीकरण है, ये देखिए आई बराबर म्यू आर, आई बराबर म्यू आर, इसमें हमको रखना है आई का मान अल्फा माइनस गामा, आई बराबर म्यू आर, ये हमारा समीकरण है। आई का मान को यहाँ से रखिए, अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा बराबर म्यू आर का मान क्या है, ये देखिए बीटा माइनस गामा, म्यू का म्यू रख दिए। अब ये हम जो है इसको अब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या में आ जाएंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, चलिए अब अल्फा कोण यहाँ पर चित्र में देखिए, ये अल्फा कोण का चाप क्या है, एपी बटे त्रिज्या ये ओपी, यहाँ पर हम मान रखेंगे अल्फा बराबर एपी बटे ओपी, ये देखिए एपी चाप बटे त्रिज्या, माइनस गामा, गामा का देखिए ये है, इसका क्या है, ए पी बटे
पीसी एपी बटे पीसी बराबर म्यू का म्यू लिख दिए। बीटा का मान क्या है देखिए, यहां पर बीटा का है एपी बटे पीआई। माइनस का माइनस, गामा का मान वही है फिर ये एपी बटे पीसी। अब इसका हम एपी एपी को दोनों पक्ष में भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये हमारा जो हो गया। इसको काट देते हैं, इसको मान रख देते हैं। अब ओपी क्या है यहाँ पर देखिए, ओपी ये आपका यू माइनस माइनस यू है, इसमें हम मान रख देंगे एक बटे माइनस यू माइनस एक बटे पीसी का मान ये है पीसी, इसको हम रखेंगे आर रखेंगे इसमें। पीसी हमारा आर है एक बटे आर बराबर म्यू का म्यू रख दिए। पीआई का है यहाँ पर देखिए, पीआई बराबर माइनस भी ये प्रतिबिंब है इमेज एक बटे माइनस भी, ये माइनस आर है यहाँ पर, और ये माइनस एक बटे एपी कर दिया है। पीसी का मान है आपका माइनस आर, तो बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको अंदर लेके गुणा कर देते हैं और ये हमारा माइनस है और ये माइनस आया है तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसको सामने ले जाता हूँ मैं, प्लस हो गया तो एक बटे आर माइनस एक बटे यू बराबर अंदर गुणा कर दिया म्यू बटे भी माइनस में, और ये हो गया आपका प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस म्यू बटे आर। अब हम जो है यू और भी वाले को इधर ले जाते हैं और आर आर को एक तरफ ले जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, ये हमारा जो है माइनस में है तो इसको इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा म्यू बटे भी, ये अपना एक जगह पर है एक बटे यू इक्वल टू ये है हमारा म्यू बटे आर, और यहाँ पर है ये गए तो माइनस एक बटे आर। तो ये ऊपर ऊपर हर समान है तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू माइनस वन अपान आर। इधर आपका क्या आ गया सूत्र म्यू बटे भी माइनस एक बटे यू। तो बच्चों ये जो है हमारा अपवर्तन का सूत्र है, इसको अच्छा से आप तैयारी कीजिए और चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।